नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोलॉय और आप देख रहे हैं मैजिक लाइक सस्पेंस। मैजिक लाइक सस्पेंस में फिर से आप सबको एक बार स्वागत है। आज का जो मैजिक ट्रिक है, एक गणित का मैजिक ट्रिक है, मैथ मैजिक है, और ये मैथ मैजिक बहुत ही आसान है। इस मैथ मैजिक को करने के लिए ऑडियंस का समय रहने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ये मैजिक फ़ोन में भी कर सकते हैं। इस मैजिक को देखने के बाद अभी ट्राई कीजिए, दोस्तों को कॉल करके या किसी भी दोस्त को कॉल करके आप ये मैजिक दिखा सकते हैं, इंटरटेन कर सकते हैं कॉल में ही। तो आप ट्राई कीजिए, लेकिन पहले इस मैजिक को देख लीजिए कैसे ये मैजिक मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ आप सबके सामने। और अभी इस मैजिक को करने के लिए मैं मेरा एक दोस्त को कॉल करूँगा, और कॉल करने के बाद ये मैजिक कैसे होता है आप सब देखिए। अगर अच्छा लगे तो इसके लिए इस मैजिक को स्पेशली सबको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये एकदम नया चैनल है और इस चैनल में हर दिन एक नया नया मैजिक ट्रिक मैं आप सबके लिए ला रहा हूँ, जो मैजिक ट्रिक आप किसी को भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज का मैजिक ट्रिक है मैथ एंड मैजिक, और इस मैजिक को दिखाने के लिए मैं अपने एक दोस्त को अभी कॉल कर रहा हूँ, और दोस्त को कॉल करके वही मैजिक आप सबके सामने दिखाऊंगा, और एग्जैक्ट जो नंबर मेरा दोस्त सोचेगा वो नंबर आप सबके सामने बताऊंगा, और उसके बाद ये मैजिक आप सबके सामने सिखा दूंगा कैसे ये मैजिक हो रहा है। तो वेट एंड वॉच कैसे ये मैजिक हो रहा है। आप सबके सामने देख पा रहे हैं, मेरे दोस्त को कॉल लगाया हूं। रिंगिंग हो रहा है। हेलो हेलो, मैजिशियन पोलॉय बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए, क्या कर रहे हो? घर में हूँ, बोलिए। हाँ, आज मैं एक मैजिक वीडियो शूट कर रहा हूँ, उसके लिए तुमको कॉल किया हूँ, और इस वीडियो में तुम्हारा जो साउंड है वो साउंड रहेगा, ठीक है। इस मैजिक को करने के लिए तुम्हारा थोड़ा हेल्प चाहिए। और ये जो मैजिक अभी मैं दिखाऊंगा तुमको, मतलब दिखाऊंगा मतलब सुनाऊंगा, एग्जैक्ट बता दूंगा, माइंड रीडिंग करूंगा फोन पे ही। तो तुमको क्या करना है, तीन नंबर सोचना है, ठीक है। अच्छा। तीन नंबर हो सकता है, एक दो तीन, मतलब तीन नंबर सोचना है, एक दो तीन हो सकता है, सात आठ नौ हो सकता है, 21 22 23 हो सकता है, मतलब ऐसे नंबर को एक साथ लेना है, समझ गए? अच्छा। कैसे लेना है, मतलब एक साथ? हाँ हाँ, तीन तीन अलग अलग नंबर सोचना है, और हाँ सीरियल वाइज सोचना है, और उस नंबर को एक साथ प्लस करना है, ठीक है। क्या करना है, उस तीन नंबर को एक साथ करके जो होता है, मतलब हाँ हाँ प्लस 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 करना पड़ेगा, मतलब तुम सोचो एक दो तीन, उसको प्लस करके जो आंसर आता है वो आंसर मुझे बताना पड़ेगा। तो अभी तुम एक नंबर सोच लो, मतलब एक मतलब तीन नंबर सोच लो, सोचने के बाद उसका जो आंसर आता है वो आंसर मुझे बोलो। फोर्टी एट तुमने सोचा, मैंने मतलब 48 48 हाँ। तो तुम जो संख्या सोचे हो सीरियली, वो संख्या है 15 16 और 17, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ हाँ सही बोल रहे हो, एकदम सही है ना? हाँ। कैसा लगा मैजिक? और कोई नंबर तुम ट्राई करना चाहते हो, कैसे हो रहा है ये मैजिक? और एक नंबर ट्राई करना चाहते हो, तो सीरियली कोई भी नंबर तुम चूज करके मैं मुझको बोल सकते हो, मतलब प्लस करके जो मैं जो मतलब बोला था, जैसे बोला था वैसे ही तुम तीन नंबर सोच लो, उसके बाद प्लस करो, प्लस का जो आंसर आता है मुझे एक बार बोलो। 69 मतलब 69 तुम जो नंबर सोचे हो अभी, मतलब तीन नंबर सोचे हो,
वो नंबर है 22, 23 और 24, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हाँ ठीक बोल रहे। तो थैंक यू इस मैजिक को, मैजिक में हेल्प करने के लिए। मैजिक कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मगर कैसे हुआ? कैसे हुआ तो वीडियो में पता चल जाएगा, वीडियो में तुम सीख सकते हो। थैंक यू। तो आप देख पाए कितना आसान एक मैजिक है, और एक दोस्त को कॉल करके आप सीरियली ये नंबर चूज करने के लिए कहिए और ये मैजिक दिखा के एंटरटेन कीजिए। चले आते हैं मैजिक ट्रिक में, मैजिक कैसे हो रहा है और फोन पे ये मैजिक कैसे कर पा रहे हैं। देखिए पहले तो मेरा दोस्त जो था उसको मैं कुछ भी सिखाया नहीं था, मतलब सिखा के ये मैजिक नहीं दिखा रहा था। आप भी ये मैजिक कर सकते हैं, मैजिक का सीक्रेट आपको जानना पड़ेगा और सीक्रेट जानने के बाद आप किसी को भी आप एंटरटेन कर पाएंगे। इस मैजिक को करने के लिए पहले जिसको कॉल कर रहे हैं उसको बोलिए सीरियली नंबर चूज करने के लिए। एग्जांपल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ 1, 2, 3, ठीक है? तो 1, 2, 3 उसने सोचा है, लेकिन आपको पता नहीं है कि 1, 2, 3 उसने सोचा है, लेकिन उसका जो आंसर आता है, मतलब 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2, 3 का जो आंसर आता है प्लस करने के बाद, प्लस करने के बाद जो आंसर आता है 6, ठीक है? 6 जो आंसर आता है, 6 को 3 से डिवाइड कर कीजिए, डिवाइड करने के बाद एक आंसर आएगा, ठीक है? जो आंसर आएगा 2, तो उस आंसर को, उस आंसर के आगे क्या है और पीछे क्या है उसी आंसर को अगर बता देते हैं तो आपका जो जो दोस्त सोच रहा है जो नंबर, वो नंबर एग्जैक्ट आ जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपका दोस्त सोचा है 21, 22, 23, ठीक है, और इसका प्लस करने पर आंसर आता है 66, और 66 को 3 से डिवाइड कीजिए, डिवाइड करने पर आता है 22, ठीक है, और 22 का आगे है 21 और पीछे है 23। तो यही है दोस्तों मैजिक का सीक्रेट। आपको सिर्फ जो प्लस करने पर जो आंसर मिलेगा, जो आंसर आपका दोस्त कहेगे, उस आंसर को कैलकुलेटर हाथ में रखिए, फ़ोन का एक कैलकुलेटर हाथ में रखिए या फ़ोन को लाउड स्पीकर देके कैलकुलेटर खोला रखे बोलिए आंसर बताने के लिए। वो आंसर जब भी बोलेगा तभी डिवाइड करके 3 से डिवाइड कीजिए, मिडिल में जो आंसर आएगा वो आंसर के आगे एक नंबर बैठाइए और पीछे एक नंबर बैठाइए, मतलब अगर 66 बोले हैं, 66 का डिवाइड करके 22 आता है, 22 का आगे 21 होगा और पीछे 23 होगा। तो यही है मैजिक का सीक्रेट। अभी इस मैजिक को आप अपने दोस्त को दिखा के एंटरटेन कर सकते हैं, आनंद दे सकते हैं। तो देर मत कीजिए, इस मैजिक को बाई फोन सभी को एंटरटेन करने के लिए देखिए, और अगर मैजिक अच्छा लगे तो इसके लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।